आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। बारिश न होने से क्षेत्र के किसानों में चिंता की लकीरें। विकासखंड अमानीगंज क्षेत्र में आज से लगभग 15 दिनों से बारिश न होने से किसानों में चिंता व्याप्त है। क्षेत्र का अन्नदाता कठिन परिश्रम करके अपनी धान गन्ना चरी अरहर जैसे फसलें तैयार किया है, लेकिन पानी के अभाव में किसान में बेचैनी फैल गई है। अमानीगंज के दक्षिण पूर्व पश्चिम भाग में नहरों के न होने से क्षेत्र के किसान नलकूप के सहारे कृषि कार्य करते हैं तथा उक्त क्षेत्र में किसान प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में आ जाते हैं तथा उनके मेहनत पर पानी फिर जाता है। सरकार उक्त क्षेत्र में नहर की व्यवस्था आज तक नहीं करा सकी है। पिछड़ा बहुत क्षेत्र में संसाधनों का अभाव है, जिससे किसान खेती करने में दरकिनार करते। क्षेत्र में जो शासन द्वारा नलकूप लगाए गए हैं, जो कि आए दिन विभिन्न तकनीकी कारणों से खराब रहते हैं। बीजी 164 पूरा उर्फ सुमेरपुर राजकीय नलकूप 16 जून 2020 से खराब चल रही है, जिसका मोटर जल गया। नलकूप मिस्त्री द्वारा मोटर को वर्कशॉप में ले जाया गया, लेकिन अभी तक मोटर बनाया नहीं गया। किसानों द्वारा इसकी शिकायत विभाग को की गई है, लेकिन विभाग के ढूलमूल रवैये के चलते मोटर की फिटिंग आज तक नहीं की गई है। इसी क्षेत्र के ग्राम सभा उदाहरणपुर में राजकीय नलकूप कई वर्षों से सफेद पोश बनकर खड़ी है। अयोध्या से ब्यूरो चीफ आदर्श श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। भाई क्या समस्या है आप लोगों की? अरे पानी नहीं गिरता है, सूखाता है धान। कई दिन से पानी नहीं गिरा है? अरे 15 दिन होएगा हुए पानी नहीं गिरा, सूखाता है सब धान सब। अच्छा, धान बाली निकले टीएम है? अरे अब तो नुकसान है हुआ था, अब तो कहा थी निकलता है, बाली निकले पाया है, सूखाता है अब। अच्छा, तो अगर धान सूख गया तो? अरे सूख गया तो का होएगा हमारा, फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे का छोटे रोटी खाई है और का होए, कुछ जोन मिले तो मिल जाए वही खाई है, जोन ऊपर वाला जैसे धान हो नहीं करे परेशानी चले और का होए। अच्छा, तो सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का 2000 रुपये मिल रहा है पैसा? हाँ हाँ मिल रहा है, मिल रहा है, तो है यही तो बहुत समस्या सही होगा है, यही वजह है, इसी वही है कि साथ सभी चला करते वैसे। अच्छा, और खर्चा इसी से चल रहा है? यही चलता है अपन, तो किफायत से चला था और कहा है। तो आगाह नहीं है पानी गिरने के लिए? बिल्कुल समझ में नहीं आता, पानी के सूखी जाए है।